अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हुआवे शॉर्ट एक्स के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये कस्टमर ने फ़ोन दिया है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि मोबाइल जब हम इसको चार्जिंग पर लगाते हैं तो मोबाइल ख़ुद ब खुद बैटरी को ड्रेन करता है। और इस हवाले से इस वीडियो को मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों तक शेयर किया जाए, जो कि फ़ोन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये फ़ोन है जो हमने रिपेयर करना है। जी व्यूअर्स, मोबाइल जो है वो हम आप लोगों के सामने आ चुके हैं। और अब इस मोबाइल को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो चेक करना है वो ऐसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्जिंग लगा के इसको चेक करते हैं। और जी नाज़रीन, ऐसे है कि कस्टमर के कहने के मुताबिक ये फ़ोन जो है हम इसको जब चार्जिंग लगाते हैं तो बैटरी चार्ज करने के बजाय ड्रेन करता है, मतलब कि 42 पे है तो ये कम कर जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, तो इन मोबाइल का जो सोल्यूशन है वो कैसे किया जाए, तो इस वीडियो को अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखें। किसी किस्म का कोई सवाल, क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करें, अच्छी ना भी लगे तो भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे पहले जो आप लोगों ने करना ये है, ऐसे सिचुएशन में कोई सा भी फ़ोन है, कोई सा भी मॉडल है, हुआवे है, सैमसंग है, ओप्पो है, कोई भी है, तो आप लोगों ने करना सिर्फ ये है कि फर्स्ट आपने ऐसे करना है कि मोबाइल की जो चार्जिंग बेस है उसको MBC लिक्विड से वॉश करना है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं भी MBC लिक्विड से इसको वॉश कर रहा हूँ। जी वाले ये चीज़ MBC लिक्विड ही यूज़ किया करें क्लीननेस के लिए। तो जी नाज़रीन, पहले मैं इसको इससे करूँगा और उसके बाद जो बारीक ट्यूबर है इसमें बेसिकली डस्ट और कुछ कार्बन बन जाने की वजह से मोबाइल जो है उसकी चार्जिंग बेस शॉर्ट होती है और उसके बाद चार्जिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। अब इसी में स्क्रीन में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस चार्जिंग बेस में क्या कार्बन है और क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से मोबाइल बैटरी ड्रेन करता है, स्टोरेज करने की बजाय ड्रेन करता है। और ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, ये देखें, ये डस्ट आप देख सकते हैं कि जो कि मोबाइल के चार्जिंग बेस से निकली है। इसी तरह से बजाय के चार्जिंग बेस आप रिप्लेस करें या किसी ICU से पंगा लें, ऐसे ही पंगे ले लेते हैं और कह देते हैं जी चार्जिंग ICU में मसला है। बेसिकली हमेशा फॉल्ट को, प्रॉब्लम को स्टार्ट से देखना चाहिए, ना कि डायरेक्ट आप ICU पे गए और उसको देखा और उसका कबाड़ा कर दिया पहले से भी ज़्यादा। सो गाइज, आप लोगों के सामने मैंने इसका जो कार्बन है वो निकाला है और आप लोगों ने इससे भी ज़्यादा टाइम में इसको वॉश करना है, ज़्यादा देर तक वॉश करना है इसको। तो ये आप मेरी देख सकते हैं सप्लाई में जो आउटपुट है, मोबाइल स्टोर कर रहा है, बैटरी स्टोर हो रही है। तो उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अपने दोस्त मुबशर को इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।